इन दिनों मोबाइल पर चैटिंग फोन पर बातचीत करने से ज्यादा कॉमन हो गई है, और चैट में सबसे ज्यादा जरूरी रोल होता है लोगों का। जी नहीं, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इन लोगों की बात कर रहा हूँ। हो जी हाँ, इमोजी जो मौजूदा दौर में सजावट का सामान नहीं बल्कि जरूरत बन गए। इमोजी अब नौजवान पीढ़ी की सनक भर नहीं है, बल्कि आप इन्हें डिजिटल दुनिया से पैदा हुई नई जुबान कह सकते हैं। इससे लेके इस तक और इस तक ये छोटे छोटे कलाकार बोरिंग टेस्ट में इमोशनल तड़का लगाने का काम करते हैं। बीते कुछ साल ये इमोजी बातचीत की एक नई भाषा बन गए, यहाँ तक कि अब तो कॉर्पोरेट मेल और ऑफिशियल व्हाट्सएप विंडो में भी ये नजर आने लगे हैं। साल 2015 में ये जनाब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर बने थे। लेकिन ये इमोजी आए कहां से, इनकी कहानी क्या है, ये हमारे मोबाइल फोन में कैसे पहुंचे, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना होगा जापान। 90 के दशक में सबसे पहले जापानी मोबाइल फोन पर इमोजी ने दस्तक दी। पहला इमोजी साल 1999 में जापानी कलाकार शिगेताका कुरीता ने डिजाइन किया था। कुरीता जापान की दिग्गज मोबाइल कंपनी डोकोमो के लिए ये काम कर रहे थे। इमोजी के तौर पर सबसे पहले मौसम यानी सूरज, बादल, छतरी, फिर ट्रैफिक, कार, ट्रैम, विमान, जहाज, टेक्नोलॉजी, लैंडलाइन, सेलफोन, टीवी और चांद के कई स्वरूप बनाए गए। जापान में ये तेजी से मशहूर हुए और डोकोमो की प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने इन्हें हाथों हाथ लपका। साल 2000 के दशक के मध्य में जब मोबाइल कंप्यूटिंग अपने पूरे शबाब पर आई तो जापान से बाहर की मोबाइल कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म में इन्हें शामिल किया। लेकिन एक दिक्कत थी, क्योंकि कंप्यूटर नंबरों पर काम करते हैं, ऐसे में हर लेटर या कैरेक्टर एनकोडेड होता है या न्यूमेरिकल कोड के साथ आता है। यूनिकोड से पहले कई अलग अलग एनकोडिंग सिस्टम थे, जिसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कंप्यूटर और सर्वर इमोजी को एक जैसा नहीं दिखाते थे। साल 2009 में एप्पल कंपनी के दो इंजीनियर्स ने 625 नए इमोजी कैरेक्टर को यूनिकोड स्टैंडर्ड में जगह देने का प्रस्ताव भेजा। साल 2010 में इसे स्वीकार किया गया और एक से दिखने वाले ये इमोजी सभी जगह के मोबाइल फोन में पहुंच गए। पहले लोग आइकन को मेल और टेक्स्ट मैसेज में कॉपी पेस्ट किया करते थे, लेकिन बाद में यह भी बदल गया। साल 2011 में एप्पल ने iOS में ऑफिशियल इमोजी कीबोर्ड जोड़ा और 2 साल बाद एंड्रॉइड ने भी ऐसा किया। ऐसा करने से लोगों को अपने फोन के कीबोर्ड पर सीधे इमोजी तक पहुंच मिली। अब यूनिकोड कंसोर्शियम हर साल नए इमोजी जोड़ता है। साल 2015 में इसी कंसोर्शियम ने एक और बड़ा कदम उठाया। पीपल इमोजी में स्किन टोन बदलने का विकल्प मिला। अब सफेद के अलावा भूरे, पीले, सांवले, काले सभी तरह के हाथ और चेहरे मिलने लगे, और हाल में उसने जेंडर न्यूट्रल इमोजी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। ये तो हुआ इमोजी का इतिहास। अब बात भविष्य की, इसका आने वाला कल कैसा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन मौजूद लोगों में से 92% इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम पर करीब आधी पोस्ट में आपको इमोजी मिल जाएंगे। 100 बातों की एक बात यह है कि बात करने के लिए भले शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन इमोजी कम नहीं पड़ेंगे।